जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। 15 अगस्त 1947, वो तारीख जो संजोए थी स्वतंत्रता की लहरों पर बेहतर कल का सपना। उम्मीदों की दामन में लहराते तिरंगे के साथ ऊंची उड़ान का ख्वाब। राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, विकास के चक्र ने गति ली, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान केवल अंग्रेज चले जाने से ही होगा, इस गलत फहमी में थे हम। स्वराज्य और सुराज्य के साथ संपूर्ण समाज को संगठित करके उसे एक सूत्र में बांधने की चुनौती हमारे सामने थी। जहां एक और भारत स्वतंत्रता की नई परिभाषाएं गढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी कहलाने वाले चीन ने हमारी अखंडता पर हमला किया। युद्ध में न जाने कितने शहीद हुए, कितनों ने शौर्य की नई गाथाएं रची। चीन युद्ध में जो जवान अपंग हुए उनकी संख्या इतनी बड़ी थी कि उनको कृत्रिम पैर बिठाकर खड़ा करने के लिए सरकारी यंत्रणा पर्याप्त नहीं थी। इन दिक्कतों से उभरने के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश और लाला हंसराज गुप्ता ने दिल्ली सिटीजन फोरम की स्थापना की। सेवा और सहयोग की मशाल सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में फैले। इस भाव के साथ 10 जुलाई 1963 को दिल्ली सिटीजन फोरम को एक नया नाम मिला और उदय हुआ भारत विकास परिषद का। अनेकता में एकता के भाव को समेटे राष्ट्र के सांस्कृतिक जागरण और संस्कारित पीढ़ी के निर्माण का एक मिशन है भारत विकास परिषद। दिए की रोशनी से भी रोशन होता है संसार, सहयोग की मशाल लिए समर्पण की भावना के साथ राष्ट्र के बेहतरी का प्रयास है भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, इन पंच सूत्रों पर कार्य करती है। समाज के संपन्न, समृद्ध और प्रबुद्ध वर्ग से संपर्क करना और उनको निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना। मानवता की सेवा से ही समाज का विकास होगा। इसी कड़ी में परिषद विभिन्न योजनाएं जैसे विकलांग पुनर्वसन केंद्र, ग्राम बस्ती योजना, साक्षरता अभियान आदि क्षेत्र में कार्यरत है। भारत में विकलांगों की संख्या सबसे ज्यादा है, ऐसे में भारत विकास परिषद द्वारा संचालित 14 विकलांग पुनर्वसन केंद्रों द्वारा मुफ्त में अपंगों को जयपुर फुट बिठाए जाते हैं। विकलांगों के लिए कार्य करने वाली संस्था में भारत विकास परिषद अग्रणीय संस्था है। परिषद की मजबूत पहल के चलते आज पंजाब प्रांत का लुधियाना जिला विकलांगता मुक्त क्षेत्र बन गया है और लुधियाना क्षेत्र को इस कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया है। वृक्षारोपण और रक्तदान शिविरों का आयोजन परिषद के सभी शाखाओं में किया जाता है। स्वामी विवेकानंद का मूल मंत्र दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, इस भावना का अनुसरण करते हुए जहां एक और संस्था द्वारा वनवासी और ग्रामीणों को विकास के मूलधारा में शामिल करने के उद्देश्य से वनवासी सहायता योजना और ग्राम बस्ती विकास योजना प्रारंभ की गई, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र में
अस्पताल और रोग निदान केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में कोटा में एक अत्याधुनिक अस्पताल चलाया जाता है, जहां पर रोगियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया की जाती है। चंडीगढ़ में डायग्नोस्टिक सेंटर भी रोगियों की सेवा में अपना योगदान दे रहा है। भारत में संस्था की कार्यप्रणाली से अभिभूत होकर विदेशों में कार्यरत भारतीय भी संस्था से जुड़े हैं और आर्थिक सहयोग देकर इस पवित्र मिशन को एक नई गति दे रहे हैं। कनाडा निवासी डॉक्टर शिव जंदाल और अन्य लोगों से प्राप्त धनराशि का उपयोग भारत विकास परिषद पिछड़े गांव के सर्वांगीण विकास के लिए करती है और इस कड़ी में अब तक 10 ग्रामों को आदर्श ग्राम में परिवर्तित किया भी जा चुका है। आज ये गांव स्वयं पूर्ण हो गए हैं। परिषद का कार्य सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है, भारत विकास परिषद संस्कार के महत्व को भी बहुत बेहतरी से समझता है। राष्ट्र के विकास में मानव संसाधन का अमूल्य योगदान होता है। मानव संसाधन जितना सुसंस्कृत, चरित्रवान, शिक्षित और संस्कारित होगा, वह राष्ट्र मजबूत बनने में सहायक होगा। इस बात के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। इस ध्येय वाक्य पर कार्य करते हुए प्रत्येक नागरिक को संस्कारित करने के मिशन में जुटा है भारत विकास परिषद और इसी कड़ी में परिषद द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन। ज्ञानाति विविधा भाषा, ज्ञानाति विविधा कला, आत्मनम नेव ज्ञानाति यो न ज्ञानाति संस्कृतम्। राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता। भारत को जानो प्रश्न मंजूषा। हिंदू मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पांच जन्य। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया। सेवा के साथ साथ संस्कार के क्षेत्र में कार्य करने वाली ये एकमात्र संस्था है। भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है। इसकी कार्य प्रणाली से अभिभूत होकर समाज की कई मान्यवर इस संस्था से जुड़ी है। चुनौतियों से भरे वैश्विक जगत में भले ही भारत ऊंची उड़ान ले रहा है, लेकिन आज भारत का युवा देश की संस्कृति से दूर होता जा रहा है। भारत के युवा को भारतीय संस्कृति के जगत मान्य मूल्यों के महत्व और उसकी प्रचिति से अवगत कराने के लिए संस्था प्रतिबद्ध है। आज जब मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश के नेतृत्व और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने संस्था की प्रतिष्ठा स्थापित की, जिसका स्पष्ट प्रमाण था कि देश के कोने कोने में भारत विकास परिषद की शाखाएं फैलने लगी। इस चुनौतीपूर्ण कार्य में आपके सहयोगी थे प्यारा लाल राही जी, जिनके नेतृत्व में शाखाओं की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। बढ़ती शाखाओं को नियमबद्ध रूप से कार्य करने को प्रेरित किया इस पवित्र क्षण में हम प्रतिज्ञा करें कि मिलजुल कर ज्यादा से ज्यादा समय देकर परिषद के ढांचे में रहकर राष्ट्र निर्माण के सपने को मूर्त रूप लाने के लिए अविरत मेहनत करेंगे। इसी में हमारे जीवन की धन्यता है। पंचसूत्र भले ही परिषद के ध्येय मंत्र हो, लेकिन उद्देश्य हमेशा देश विकास है। हमें पूरा विश्वास है कि क्षितिज पे चमकेगा संस्कार का सूर्य, बहेगी समर्पण की गंगा, हिमालय सा सुदृढ़ होगा सेवा का भाव और इस भारत देश में हम संपर्क और सहयोग की ध्वजा लहराएंगे।